A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the second lecture on the exercise 3.3, class 11, chapter number 3. And the name of the chapter 3 is trigonometric function. Aur aaj hum start karenge question number 14 and onwards in this video. So I hope you will enjoy this lecture. So please look at the board. Question number 14, sine 2x plus 2 sine 4x plus sine 6x is equal to 4 cos square x into sine 4x. It means यहाँ पर जो terms दी गई है वो in sum की form में given है और right hand side में आपको product की form में से proof करना है. तो यहाँ हम कौन सी identity use करेंगे? Sum to product, sum को product में convert करने वाली identity. Yes, I am talking about the sin c plus sin d और cos c plus cos d की identities. तो यहाँ देखिए किससे टर्म्स मैच करती है. यहाँ पर ये बन जाएगा साइन सी और ये बन जाएगा साइन डी, क्योंकि यहाँ पर तो क्या आ गया, साइन के से पहले टू, तो यहाँ पर तो आइडेंटिटी नहीं बन सकती. तो सबसे पहले मैं इसको अरेंज कर देता हूँ. साइन टू एक्स प्लस इस टर्म को मैंने पहले लिखा, साइन सिक्स एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स. अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ बिकॉज साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या होता है आइडेंटिटी में, टू साइन सी प्लस डी अपॉन में टू इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन में टू. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टू इंटू साइन, मतलब दोनों के एंगल को ऐड करना है और डिवाइड बाय टू. यहाँ फर्स्ट एंगल क्या है 2x और सेकेंड एंगल क्या है 6x, दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2, इन टू में cos, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. तो माइनस करिए 2x माइनस साइन ओ सॉरी 2x माइनस 6x और डिवाइड कर दीजिए 2 से. अब इसको फर्दर सोल्व करिए, इट बिकम्स 2 साइन 6 प्लस टू 8x बाई टू कितना आ जाएगा 4x इंटू कॉस 2x माइनस 6x करेंगे माइनस का 4x बाई टू माइनस के 2x. अब देखिए हमने ये दो टर्म तो यहाँ पर आइडेंटिटीज में अप्लाई कर ली, बट ये जो थर्ड टर्म थी इसका हमने कोई यूज नहीं करा. तो इस टर्म को आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए 2 साइन 4x, सेम हेयर 2 साइन 4x. अब यहाँ देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी फिर लग रही है कोस में, आपको ये भी पता है कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा. तो यहाँ नेगेटिव एंगल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 साइन 4x मल्टीप्लाई कोस 2x, नेगेटिव रिमूव हो जाएगा प्लस ये टर्म एज इट इज 2 साइन 4x. अब यहाँ देखो 2 साइन 4x और यहाँ भी 2 साइन 4x है तो कॉमन आउट ले लीजिए, 2 साइन 4x कॉमन आउट लिया तो यहाँ क्या रहा हमारे पास cos 2x प्लस 1. अब यहाँ पर भी आइडेंटिटीज यूज होती है और ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, ये कभी भी आपको नहीं भूलनी. मैं तीन आइडेंटिटीज आपको लिखवा रहा हूँ, इन आइडेंटिटीज़ को कभी भी आपको नहीं भूलना. तो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा को आप ये लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा. सेकेंड आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा. थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वेयर थीटा. अब याद रखना है आपको यहाँ पर जो एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहाँ पर आता है, जैसे यहाँ एंगल कितना है 2 थीटा, तो 2 थीटा का हाफ करेंगे तो थीटा आएगा, तो यहाँ एंगल क्या आया थीटा. इसी टाइप से यहाँ भी 2 थीटा है तो यहाँ पर एंगल बनेगा थीटा, यहाँ भी 2 थीटा है यहाँ पर थीटा. इस टाइप से आप एंगल को चेंज करके इसकी आप बहुत सारी आइडेंटिटीज़ बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये होती 1 माइनस कोस थीटा,
तो आप देखिए यहाँ पर वन एज इट इज़ माइनस में, यहाँ पर टू थीटा जो बनता है उसका हाफ यहाँ पर आता है, यहाँ पर एंगल ऑलरेडी थीटा है, तो थीटा का हाफ क्या आएगा, राइट हैंड साइड पे आएगा, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, टू साइन स्क्वेयर, थीटा का हाफ कितना हो गया, थीटा बाई टू। इस टाइप से जितना एंगल आप यहाँ चेंज करोगे उतना ही एंगल आपको यहाँ भी चेंज करना है, ऐसे करने से आप बहुत सारी आइडेंटिटी नहीं बना सकते हो। तो यहाँ देखिए वन प्लस कोस टू एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हो, टू साइन फोर एक्स वन प्लस कोस टू एक्स, तो ये वन प्लस कोस टू एक्स, थीटा की जगह यहाँ क्या आ गया एक्स, किसके इक्वल होता है, टू कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, टू साइन फोर एक्स मल्टीप्लाई टू कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि टू एक्स का हाफ क्या हो गया, एक्स। अब देखिए टू इंटू टू क्या बन गया, फोर, कोस स्क्वायर फोर, कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज, और ये साइन फोर एक्स भी एज इट इज। और ध्यान से देखिए यही आपकी राइट हैंड साइड है, यही आपको प्रूफ करना था, फोर कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन फोर एक्स, तो आपका क्या क्वेश्चन हो गया, प्रूफ। तो इस आइडेंटिटीज को कभी भी आप नहीं भूलना, क्योंकि इस टाइप की आइडेंटिटी आप ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 15, कोट 4x ब्रैकेट में साइन 5x प्लस साइन 3x को प्रूव करना है इक्वल टू कोट ऑफ x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। यहाँ देखिए टर्म बिल्कुल सेम टू सेम नजर आ रही है, थोड़ी सा चेंजेस है बस, तो लेकिन देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी काफ़ी बड़ी है और राइट हैंड साइड भी काफ़ी बड़ी है, तो इसको सिंप्लीफाई करके टर्म छोटी बनती है, लेकिन कैसी क्या ये टर्म बन पाएगी चेक करते हैं। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हो राइट हैंड साइड नहीं बनती दिखाई देती, और कई बार राइट हैंड साइड को सोल्व करते तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं बनती, तो उस केस में आप दोनों साइड को सोल्व कर लीजिए, वहाँ तक सोल्व करिए जहाँ पर दोनों इक्वल बन जाए, तो भी क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट। यहाँ पर मैं वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँगा, क्योंकि ये सेम टू सेम बन सकते हैं, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ कोट 4x क्या, कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो मैं कोट 4x को लिख देता हूँ कोस 4x डिवाइड में साइन 4x, यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ देखिए ये हो गया साइन c प्लस साइन d, तो पहले तो मैं इसको h3 लिख देता हूँ, फिर लास्ट स्टेप पे आइडेंटिटीज लिख दूंगा साइन 3x। अब मैं इसको भी सोल्व कर रहा हूँ साथ साथ, कोट एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस ऑफ एक्स अपॉन में साइन ऑफ एक्स, और ये टर्म एज इट इज साइन 5x माइनस साइन 3x। अब मैं दोनों साइडों को साथ साथ सोल्व करूँगा, यहाँ देखिए आइडेंटिटी लग रही है साइन c प्लस साइन d, बिकॉज साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी अपॉन में टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन में टू, और यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू क्या होता है, बिल्कुल सेम टू सेम यही आइडेंटिटी लगती है, बस साइन को यहाँ लिख दीजिए, कोस को यहाँ लिख दीजिए, सिर्फ चेंज कर दो, कोस यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा कोस सी प्लस डी अपॉन में टू, और ये साइन यहाँ आ जाएगा साइन सी माइनस डी अपॉन में टू। तो यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो इस टर्म को मैंने एज इट इज लिखा कोस फोर एक्स डिवाइड में साइन फोर एक्स, ये बन जाएगा टू साइन, दोनों एंगल को ऐड करिए 5x प्लस में 3x और डिवाइड कर दीजिए 2 से इनटू में कॉस, दोनों एंगल को माइनस करिए 5x माइनस 3x और डिवाइड कर दीजिए 2 से, सेम यहाँ पर भी कॉस ऑफ x अपॉन में साइन ऑफ x 2 cos, दोनों को ऐड करिए 5x प्लस में 3x डिवाइड बाय 2 इनटू में sin, दोनों को माइनस कर दीजिए 5x माइनस 3x डिवाइड बाय 2। इसको और सिंप्लीफाई करिए cos 4x अपॉन में sin 4x, ये बन जाएगा 2 sin
5 प्लस 3 8x का हाफ कितना हो गया 4x इंटू कॉस 5 माइनस 3 2x का हाफ x, सेम यहाँ पर कॉस ऑफ x डिवाइड में साइन ऑफ x 2 इंटू कॉस 5 प्लस 3 8 का हाफ 2 4x इंटू साइन 2x का हाफ x। अब जो टर्म कट सकती है उसको काट दीजिए। देखिए यहाँ साइन 4x से साइन 4x कैंसिल आउट, यहाँ पे साइन x से साइन x कैंसिल आउट। अब आपके पास टर्म क्या रह गई, 2 एक cos x और एक रहा आपके पास cos 4x। यहाँ देखिए 2, यहाँ पे भी cos x और ये cos 4x, इसका मतलब दोनों साइड इक्वल आ गई। तो ये क्या थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है राइट हैंड साइड, तो हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका प्रूव्ड। जब लेंथी क्वेश्चन दिखाई दे तो आप इस टाइप से इसको प्रूफ कर सकते हो। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 16। दिस वन इज योर लेफ्ट हैंड साइड और दिस वन इज योर राइट हैंड साइड। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी दिख रही है, यहाँ sin c माइनस sin d की। यस अप्लाई करते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस वन इज माई लेफ्ट हैंड साइड को मैं सोल्व कर रहा हूँ। cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी क्या होती है, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू होता है 2 sin c प्लस d अपॉन में 2 इंटू साइन, यहाँ एंगल चेंज हो जाता है d माइनस c अपॉन में 2, और यहाँ है sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin c प्लस d अपॉन में 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन में 2। तो ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो इट बिकम्स 2 साइन, दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए, 9x प्लस 5x डिवाइड बाय 2 इंटू साइन d माइनस सी, तो यहाँ 5x माइनस 9x डिवाइड बाय 2, डिवाइड में यहाँ साइन c माइनस साइन d की अप्लाई करिए, तो 2 साइन c प्लस d, दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए, यहाँ 17x है यहाँ 3x, 17x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू में cos c माइनस d, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 17x माइनस के 3x अपॉन में 2। इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ये साइन 9 प्लस 5 14 का हाफ क्या हो गया 7x, 5 माइनस 9 माइनस के 4 बाई 2 माइनस के 2x, साइन 17 प्लस 3 20 का हाफ 10x इंटू कॉस 17 माइनस 3 14 का हाफ 7x। अब यहां देखिए ध्यान से, ये बन गया आपका साइन 7x इंटू साइन में नेगेटिव थीटा हो तो आप उसको क्या लिखते हो, नेगेटिव साइन थीटा, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा साइन 2x, और ये क्या बन गया आपका साइन 10x इंटू कॉस 7x। अब आपको प्रूव करना था ये, प्लीज़ वेट अ मिनट, हमने यहाँ कुछ मिस्टेक कर दी शायद, एक मिनट रुकिए, प्लीज़ वेट अ मिनट, यहाँ आइडेंटिटी गलत लगा दी, तो साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लगा दी हमने, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, जबकि क्या होता है सी माइनस डी में आइडेंटिटी आपकी कॉस यहाँ पर आता है और साइन यहाँ आता है, तो यहाँ चेंजेस कर लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉस और यहाँ आ जाएगा आपका साइन, अब देखिए ध्यान से, अब साइन 7x से साइन 7x कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या रहा आपका माइनस एज इट इज,
साइन 2x और ये डिवाइड में क्या आ गया कॉस 10x, और यही आपको प्रूव करना था। तो बस आपको आइडेंटिटी ध्यान से यूज़ करनी है। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इज साइन 5x प्लस में साइन 3x डिवाइड में कोस 5x प्लस में कोस 3x को राइट हैंड साइड टेंजेंट 4x के टर्म्स में कन्वर्ट करना। अगेन देखो फिर साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी और यहाँ भी कोस सी प्लस कोस डी की आइडेंटिटी। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी लिखनी है हर क्वेश्चन में। सबसे पहली आइडेंटिटी आपकी आ गई साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन, दोनों एंगल को ऐड कर दो डिवाइड बाय 2 इनटू में कोस, दोनों एंगल को माइनस कर दो डिवाइड बाय 2। फिर कोस सी प्लस कोस डी सेम होता है 2 कोस, दोनों एंगल को ऐड करिए डिवाइड बाय 2 इनटू कोस, दोनों एंगल को माइनस करिए डिवाइड बाय 2। करते हैं अप्लाई यहाँ पर, दिस वन इज योर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा फर्स्ट से मैच कर जाएगा 2 साइन, दोनों एंगल को ऐड करिए 5x प्लस 3x और इसका हाफ कर दीजिए इनटू कोस, दोनों एंगल को माइनस करिए 5x माइनस 3x और उसका हाफ कर दीजिए। इसी टाइप से यहाँ भी 2 कोस, दोनों एंगल को ऐड करिए 5x प्लस में 3x डिवाइड बाय 2 इनटू कोस, दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करिए 5x माइनस 3x डिवाइड बाय 2। आगे सोल्व करिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा यहाँ पे साइन 5 प्लस 3 8 का हाफ कितना हो गया 4x इंटू कोस, 5 माइनस 3 2 का हाफ x, सेम यहाँ पे कोस 5 प्लस 3 8 का हाफ 4x, यहाँ भी सेम 5 माइनस 3 2x का हाफ x, अगेन कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया साइन बाय कोस, यहाँ साइन 4x होगा यहाँ पे कोस 4x, और साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा किसके इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के, तो टेंजेंट 4x। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड क्वेश्चन प्रूव। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 18 साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइड में कोस एक्स माइनस कोस वाई प्रूव करना है इक्वल टू टेंजेंट एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। तो सबसे पहले यहां भी वही आइडेंटिटी साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। सेकेंड है कॉस एक्स माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या आइडेंटिटी यूज होती है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू साइन, यहाँ एंगल चेंज हो जाता है डी माइनस सी अपॉन में 2। करिए अप्लाई, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं 2 कोस, दोनों एंगल को ऐड करिए एक्स प्लस वाई उसका हाफ कर दिया इंटू साइन, दोनों एंगल को माइनस करिए एक्स माइनस वाई उसका हाफ कर दो। सेम यहाँ पर कोस सी माइनस 2 साइन, दोनों एंगल को ऐड करिए एक्स प्लस वाई अपॉन में 2, फिर दोनों को माइनस कर दीजिए वाई माइनस एक्स अपॉन में 2। अब यहाँ देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनता है यहाँ से, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, कोस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 डिवाइड में साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 इंटू साइन वाई माइनस एक्स अपॉन में 2। तो प्लीज वेट अ मिनट, एक बार स्टेटमेंट क्या है साइन एक्स माइनस में साइन वाई, यहाँ कोस एक्स प्लस कोस वाई है, सॉरी कोस एक्स प्लस कोस वाई है क्वेश्चन में, तो यहाँ आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी कोस एक्स प्लस कोस वाई की। तो कोस सी प्लस कोस डी की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ, तो 2 कोस सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू कोस
सी माइनस डी अपॉन में टू। तो ये क्या बन जाएगा, टू कॉस सी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई टू। अब देखिए, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, कॉस से कॉस वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, आपके पास टर्म क्या रही, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में टू और ये कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन में टू। तो ये क्या बन गया आपका, टेंजेंट, क्योंकि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टेंजेंट एक्स माइनस वाई अपॉन में टू। क्वेश्चन क्या हो गया, प्रो, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 19। अगेन देखो, साइन सी प्लस साइन डी, आइडेंटिटीज हमें पता है, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी अपॉन में टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन में टू। यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी लग जाएगी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होती है, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन में टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन में टू। पुट करिए यहाँ पे, दिस वन इज माई लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, टू साइन, दोनों एंगल को ऐड करे हो, एक्स प्लस थ्री एक्स डिवाइड बाई टू इंटू में कॉस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन में टू। सेम यहाँ पे, टू कॉस, दोनों एंगल को ऐड करिए, एक्स प्लस थ्री एक्स डिवाइड बाई टू, फिर कॉस, दोनों एंगल को माइनस करिए, एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन में टू। ये क्या बन जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, साइन एक्स और थ्री एक्स फोर एक्स का हाफ टू एक्स हो गया, एक्स माइनस थ्री एक्स, माइनस के टू एक्स अपॉन में टू, माइनस का एक्स, कॉस फोर एक्स का हाफ टू एक्स हो गया इंटू कॉस माइनस के टू एक्स बाई एक्स माइनस के एक्स। तो ये टर्म तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गई, साइन टू एक्स अपॉन में कॉस टू एक्स रह गया और ये किसके इक्वल हो गया आपका, टेंजेंट टू एक्स। तो दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 20। साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स और साइन स्क्वेयर माइनस में कॉस स्क्वेयर, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ तो साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो यहाँ तो मैं लिख सकता हूँ साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन में टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन में टू। बट यहाँ पर तो आइडेंटिटी नहीं रखती, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, इसको याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, काफ़ी टाइम यूज़ करते हो इसको, कोस टू थीटा की आइडेंटिटी होती है, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है कोस टू थीटा की। तो यहाँ देखो, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स होना चाहिए, बट यहाँ पर अपोजिट है, तो मैं यहाँ नेगेटिव कॉमन लेके इस आइडेंटिटी में इसको चेंज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अप्लाई करते हैं, दिस वन इज माई लेफ्ट हैंड साइड, साइन सी माइनस साइन डी, टू कोस, दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए, एक्स प्लस थ्री एक्स उसका हाफ कर दीजिए, इनटू में साइन, दोनों को माइनस कर दीजिए, एक्स माइनस थ्री एक्स उसका हाफ कर दीजिए टू। और यहाँ से मैंने नेगेटिव कॉमन आउट ले लिया, तो क्या बन गया, यहाँ से कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स, साइन चेंज हो गया नेगेटिव कॉमन लेने से। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, टू कॉस एक्स और थ्री एक्स फोर एक्स का हाफ हो गया टू एक्स, इंटू साइन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस का टू एक्स का हाफ माइनस का एक्स, ये नेगेटिव, और ये आइडेंटिटी किसके इक्वल हो गई, कॉस टू एक्स। अब ध्यान से देखिए, कॉस टू एक्स से कॉस टू एक्स कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या रहा, ये नेगेटिव आगे आ गया, माइनस का टू साइन नेगेटिव एक्स, क्योंकि नीचे आप नेगेटिव कभी नहीं लिखते, नेगेटिव हमेशा ऊपर लिखा जाता है। अब हमें ये भी पता है,
साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाता है, तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, क्या रह जाएगा साइन एक्स, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 2 sin x, और यही आपको प्रूव करना था। दिस वन इज योर राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ देखिए cos c प्लस cos d, लेकिन एक टर्म और भी आ गई, तो आपको पता है sin c प्लस sin d या cos c प्लस cos d कहाँ पर अप्लाई होते हैं, जहाँ दो टर्म्स होती है सम में, यहाँ तो 3 टर्म्स है, तो यहाँ पर हम 2 टर्म्स पर अप्लाई करेंगे, तीसरी टर्म को हम एज यूजल लिखेंगे। तो यहाँ देखिए हम किस 2 टर्म को यूज़ करें, क्या आप इसको देखिए राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए 3x, आपको पता है sin c प्लस d में दोनों को ऐड करते हैं और उसका हाफ करते हैं, तो हाफ ऐसा करने से क्या आपको 3x किससे मिलेगा, यहाँ देखो 4 और 3 कितना बन गया 7x, 7x का हाफ करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डिवाइड में मिलेगा 3x/2, लेकिन ये आपको नहीं चाहिए। लेकिन मैं यदि 4x और 2x को लेता हूँ तो 4 + 2 कितना बनेगा 6, और 6 का हाफ कितना होता है 3, यस यही चाहिए। इसका मतलब मैं किस किस की पेयरिंग पे अप्लाई कर लेता हूँ, इन दोनों पर अप्लाई कर लेता हूँ और इन दोनों पर अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ तो आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करूँगा, यहाँ पर cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 cos c + d/2 cos c - d/2, यहाँ पर साइन c और साइन d की आइडेंटिटी लग रही है, साइन c प्लस साइन d, आइडेंटिटी इज 2 sin c + d/2 cos c - d/2, करिए अप्लाई यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा ये 2 cos c, यहाँ पर 4 है और d यहाँ पे 2, दोनों को ऐड करा डिवाइड बाय 2 इंटू cos, दोनों को माइनस करना है 4x - 2x, उसका हाफ कर दिया। अब ये 2 टर्म पर आपने अप्लाई किया और थर्ड टर्म को एज इट इज लिखना है, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, प्लस में cos 3x, सेम यहाँ पर इन दोनों पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन गया 2 sin, दोनों को ऐड कर दो डिवाइड बाय 2 इंटू cos, दोनों को माइनस कर दो 4x - 2x/2। अब लास्ट की टर्म क्या रह गई, इन दोनों पर अप्लाई करा, अब ये टर्म एज इट इज sin 3x, इसको और सिंप्लीफाई करिए 2 cos 4 + 2 6/2 3x हो जाएगा इंटू cos 4 - 2 2/2 x प्लस में cos 3x एज इट इज, यहाँ भी सेम करिए 2 sin 4 + 2 6 2 का हाफ कितना हो गया 3x इंटू cos 4 - 2 2 का हाफ x और ये sin 3x एज इट इज। अब यहाँ देखिए कुछ टर्म कॉमन आउट हो रही है, cos 3x और cos 3x यहाँ कॉमन है और यहाँ sin 3x और sin 3x यहाँ कॉमन है, तो यहाँ क्या रह जाएगा हमारे, जब हम cos 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा आपका 2 और यहाँ रहा आपका cos x और यहाँ पर क्या रहा 1। सिमिलरली जब यहाँ से हम sin 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रहा 2, यहाँ cos x प्लस यहाँ पे क्या रहा 1। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म क्या हो गई, सेम टर्म थी, कैंसिल आउट, अब हमारे पास क्या रहा cos 3x और sin 3x, cos by sin क्या होता है cot, तो cot 3x, यही आपको प्रूफ करना था, तो दिस वन इज योर राइट हैंड साइड, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 22। आपको प्रूफ दैट करना है cot x इंटू cot 2x, cot 2x इंटू cot 3x, cot 3x इंटू cot x, मतलब सभी टर्म्स में क्या है cot। और ध्यान से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी सिंपल, इसके लिए जस्ट आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। यहाँ देखिए आपके एंगल x है, 2x है और 3x है, तो क्या x, 2x और 3x में कोई रिलेशन है, यस, 2x प्लस x किसके इक्वल होता है 3x, तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, वी नो, यदि हम जानते हैं
एक्स प्लस टू एक्स किसके इक्वल होता है? 3x के इक्वल होता है, यस। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, इस टाइप के कोई टर्म मिल जाए सारी कोट कोट के टर्म्स में x, 2x जैसे, तो उनमें रिलेशन देख लीजिए क्या रिलेशन है। फिर आप देखिए सभी में क्या है, कोट 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 है, इसका मतलब यहाँ दोनों साइड कोटेंजेंट फंक्शन ले लीजिए, टेकिंग कोटेंजेंट बोथ साइड, दोनों साइड आपने कोटेंजेंट फंक्शन लगा लिया, इसका मतलब कोट लगा लीजिए दोनों साइड, तो ये बन जाएगा कोट x प्लस टू एक्स, सिमिलरली ये बन जाएगा कोट 3x। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है जो हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी, टेंजेंट a प्लस बी की, आपको ये पता है टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू होता है टेंजेंट a प्लस में टेंजेंट बी और डिवाइड में वन माइनस टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी, ये आइडेंटिटी आपको पता है। अब इसी आइडेंटिटी से कोटेंजेंट की भी आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल सिमिलर टू दिस आइडेंटिटी, लेकिन क्या होती है क्योंकि कोट और टेंजेंट उल्टे होते हैं तो टर्म भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो कोट ए प्लस बी की जो टर्म होती है आपको पता है यहाँ दोनों कोट टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी ऊपर आता है तो यहां पर नीचे आता है, कोट ए प्लस में कोट बी, फिर इनकी मल्टीप्लाई वन माइनस करके आती है तो कोट में इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, माइनस वन आ जाएगी। तो इसको आप ऐसे लिख दोगे कोट ए इंटू कोट बी माइनस के वन, तो ये आइडेंटिटी किसकी बन जाती है, कोट की। तो मैं यहां पर ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, सबसे पहले क्या है दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, दोनों की मल्टीप्लाई कोट एक्स मल्टीप्लाई कोट टू एक्स, उसके बाद माइनस का वन डिवाइड में, फिर दोनों का सम कोट एक्स प्लस में कोट टू एक्स दोनों, और ये टर्म एज इट इज कोट थ्री एक्स। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है वन, वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको यही टर्म मिल जाएगी कोट एक्स इंटू कोट टू एक्स माइनस का वन। अब सबसे पहले कोट थ्री एक्स की मल्टीप्लाई कोट एक्स से करूंगा तो क्या आ जाएगा, कोट एक्स इंटू में कोट थ्री एक्स। अब कोट थ्री एक्स की मल्टीप्लाई प्लस कोट टू एक्स से करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, कोट टू एक्स इंटू कोट थ्री एक्स, यस। बस यही टर्म आपको प्रूव करनी थी, अब मैच कर लीजिए कैसे चाहिए, कोट एक्स इंटू कोट टू एक्स, कोट एक्स इंटू कोट टू एक्स ये टर्म, इसका मतलब इस टर्म को यहीं पर रखिए, आपको पता है ये माइनस का वन है और राइट हैंड साइड पे वन लेके जाना है तो इस माइनस वन को कहाँ ले जाइए, राइट साइड पे, और इन दोनों टर्म को कहाँ ले आइए, लेफ्ट साइड पे। दूसरी कोट टू एक्स और थ्री एक्स, देखो ये टू एक्स और थ्री एक्स, इसको यहाँ लेके आओगे तो ये माइनस का बन जाएगा कोट टू एक्स इंटू कोट थ्री एक्स, उसके बाद है कोट थ्री एक्स और कोट एक्स, कोट थ्री एक्स और कोट एक्स, इसको भी इधर ले आइए तो ये भी नेगेटिव का बन जाएगा कोट एक्स इंटू में कोट थ्री एक्स, और ये नेगेटिव वन राइट साइड में गया तो वन, और यही क्या आती है आपकी राइट हैंड साइड। तो यही तो आपको प्रूव करना था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस टाइप का कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आपको इस टाइप से आपस में रिलेशन मिले तो आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, क्वेश्चन वेरी वेरी इजी बन जाएगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 23, टेंजेंट 4x को ये प्रूव करना। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत छोटी है और राइट हैंड साइड काफ़ी बड़ी है, तो कैसे प्रूव होगा, यस। तो यहाँ पर मैं कुछ आइडेंटिटीज आपको बता रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आइडेंटिटी होती है टेंजेंट 2 थीटा की, जब यदि आपको टेंजेंट को टेंजेंट के टर्म्स में ही चेंज करना है लेकिन एंगल को हाफ करना है, जैसे यहाँ एंगल 2 थीटा है तो आपको हाफ करके आपको कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, तो टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू टेंजेंट की टर्म्स में होती है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से साइन 2 थीटा, इसकी भी आइडेंटिटी होती है जिसको कहते हैं हम साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी भी टेंजेंट के टर्म्स में 2 टेंजेंट थीटा, सेम टू सेम यही होती है, बट साइन क्या आता है पॉजिटिव आ जाता है 1 प्लस
टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से कोस टू थीटा की भी आइडेंटिटी होती है, इस आइडेंटिटी को कहते हैं वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये थी साइन कोस और टेंजेंट की आइडेंटिटी टेंजेंट की टर्म्स में। अब याद रखिए कोस टू थीटा की बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है, कोस टू थीटा की ये आइडेंटिटी भी होती है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये आइडेंटिटी भी होती है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी भी होती है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जिस भी फॉर्मेट में आपको प्रूफ करना होता है उसी टाइप के हम टर्म यूज़ कर लेते हैं। अब मैं दो तीन आइडेंटिटी और लिख देता हूँ जो अब हमारी इस क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होगी। एक आइडेंटिटी होती है साइन थ्री थीटा की, ये होती है थ्री साइन थीटा माइनस में फोर साइन क्यूब थीटा। इसी टाइप से कोस थ्री थीटा की भी आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ चेंज कर दो थ्री और फोर को चेंज कर दो और क्यूब और सिंगल वाली पावर को चेंज कर दो, तो ये बन जाएगा फोर कोस क्यूब थीटा माइनस में थ्री कोस थीटा। इसी टाइप से टेंजेंट थ्री थीटा की भी आइडेंटिटी होती है थ्री टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो प्लीज वेट अ मिनट, मैं टेंजेंट की चेक करता हूँ एक बार आइडेंटिटी। यहाँ वन माइनस थ्री टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो रहा था, यहाँ पर थ्री टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यू थीटा वन माइनस थ्री टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यस। तो ये तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज भी होती है जो हम यूज़ करेंगे अब इन क्वेश्चंस में। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब यहाँ देखिए टेंजेंट को टेंजेंट की टर्म्स में ही प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे वही आइडेंटिटी जो मैंने आपको फर्स्ट लिखवाई उसको यूज़ करूँगा। टेंजेंट 4x है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, क्या टेंजेंट 4x को मैं ये लिख सकता हूँ टेंजेंट 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ। अब याद रखिए देखिए मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ आइडेंटिटी, आपको याद हो गई टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए थीटा यहाँ पर क्या हो गया आपका 2x, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ मैं अब यहाँ पर। सबसे पहले 2 टेंजेंट थीटा और थीटा यहाँ पर क्या है मेरा 2x, फिर डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, थीटा अगेन यहाँ पर क्या है मेरा 2x। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर तो फिर से टेंजेंट 2x बन गया, इसका मतलब अगेन अप्लाई आइडेंटिटी। तो मैं दोबारे से आइडेंटिटी अप्लाई कर देना करता हूँ। तो आइडेंटिटी क्या थी आपकी टेंजेंट 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 टेंजेंट थीटा, अब ये यहाँ पे क्या हो गया टेंजेंट 2 थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर क्या हो गया x, तो ये बन जाएगा 2 टेंजेंट x डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइड में 1 माइनस। अब यहाँ देखिए टेंजेंट 2x का स्क्वायर है, तो पहले मैं टेंजेंट 2x की आइडेंटिटी लिख देता हूँ 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और ये पूरे का स्क्वायर था तो स्क्वायर है जिटेज लिख दिया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं 2 इंटू 2 4 टेंजेंट x डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, ये टर्म एज इट इज डिवाइड में 1 माइनस। अब देखो ये इसका भी स्क्वायर है और ये इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ 2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या बन जाएगा 4, टेंजेंट का स्क्वायर करूँगा तो टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइड में, ये देखो ये a माइनस बी का a माइनस बी है और इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या आएगा a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, या पहले मैं इसको एच डी लिख देता हूँ ताकि आप पजर नहीं होंगे, इसको दोनों का मैंने अलग अलग स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इस टर्म का भी स्क्वायर कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं,
ये फोर टेंजेंट एक्स एच डीज डिवाइड में वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स कंप्लीट के डिवाइड में। अब यहां देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया। तो यहां हो जाएगा वन माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर और माइनस के क्या है फोर टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी फोर टेंजेंट एक्स डिवाइड में वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये रेसिप्रोकल हो गया वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज वन माइनस टेंजेंट एक्स का, सॉरी वन माइनस क्या था टेंजेंट स्क्वायर एक्स है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस में फोर टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब इसको सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ से ये टर्म और ये टर्म सेम है लेकिन ये पावर टू में है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी इस पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब रिमेनिंग टर्म्स को लिखना है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ प्लीज नोट डाउन दिस। अब हमारे पास टर्म क्या रह गई फोर टेंजेंट एक्स और ये पावर, एक पावर कट गई थी तो एक सिंगल पावर रह गई वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में क्या रह गया हमारे पास वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स कंप्लीट का स्क्वायर माइनस में फोर टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ होल स्क्वायर सोल्व करते हैं। अब देखो ये फोर टेंजेंट एक्स मैच कर गई इससे और वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स ये भी मैच कर गई, इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी आपकी। करिए सोल्व, फोर टेंजेंट एक्स वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड में ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन होता है प्लस बी का स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो टेंजेंट की पावर क्या हो जाएगी फोर हो जाएगी, माइनस के टू ए बी टू इंटू वन इंटू दिस माइनस के टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और ये टर्म एज इट इज माइनस के फोर टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब ये टर्म क्या बन गई आपकी फोर टेंजेंट एक्स वन माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स वन प्लस में टेंजेंट फोर एक्स, और ये माइनस का टू और माइनस का फोर तो माइनस का सिक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो देखो इसी को थोड़ा सा अरेंज, इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, फोर टेंजेंट एक्स वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड में वन माइनस सिक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट फोर एक्स, यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 24। कोस 4x को प्रूव करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिए यहाँ कोस 4x आ गया, जैसे टेंजेंट 4x था तो आपने क्या लिखा टेंजेंट 2 इंटू 2x, ऐसे मैं इसको भी लिख सकता हूँ कोस 2 इंटू 2x। इसका मतलब ये किस आइडेंटिटी से मैच कर गया कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी से। तो जरा आप अपने अभी मैंने नोट कराया था आपको कोस 2 थीटा की बहुत सारी आइडेंटिटी थी, एक टेंजेंट की टर्म्स में थी वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, उसके बाद आपने लिखा हुआ था टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक में लिखा हुआ था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। देखो राइट हैंड साइड पे वन माइनस वाली टर्म चाहिए, तो यहाँ मैं कोस टू थीटा की आइडेंटिटी क्या यूज कर लूंगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे थीटा यहाँ पे क्या हो गया मेरा टू एक्स हो गया, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है टू एक्स। इसका मतलब कुछ टर्म मैच कर गई लेकिन साइन स्क्वायर टू एक्स में नहीं चाहिए आपको, आपको सिंगल साइन स्क्वायर एक्स में चाहिए। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी भी आपको याद है साइन टू थीटा की, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई थी आपको तीन आइडेंटिटीज, उसमें से एक आइडेंटिटी ये थी टू साइन थीटा किसके इक्वल होता था, ये टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा के इक्वल, जो मैंने आपको तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बताई साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, जहाँ एंगल का आपको हाफ चाहिए। तो यहाँ देखो यहाँ टू एक्स है जबकि आपको प्रूफ में एक्स चाहिए, इसका मतलब हाफ करना है, और हाफ के लिए आइडेंटिटी ये थी
तो इसको पहले मैं ये लिख सकता हूँ, 2 साइन 2x का कंप्लीट का स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइन 2x को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ थीटा की जगह क्या हो गया x, तो 2 साइन x इंटू कोस x कंप्लीट का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2, और स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और कोस का स्क्वायर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 4 8, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। और देखिए ध्यान से, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया क्वेश्चन प्रूफ। तो सिंपल सी यदि आपको आइडेंटिटी थोड़ी सी लर्न हो जाती है, और लर्न तभी होगी जब आप एक क्वेश्चन को काफ़ी टाइम निकालोगे। ये नहीं कि आइडेंटिटी इसको हर रोज सुबह शाम याद करोगे तो याद हो जाएगी, नो। जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तभी आपको आइडेंटिटी याद होगी। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ कोस 6x आ गया। बिल्कुल सेम टू सेम वही स्टेप करिए। कैसे लिखोगे, 2 इंटू करके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 6x को ये लिखा जा सकता है कोस 2 इंटू 3x। अब ये किस आइडेंटिटी से मैच कर गया, कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी से। और ध्यान से देखिए, पूरे कोश राइट हैंड साइड पे आपको कोस की टर्म चाहिए और कोई टर्म नहीं चाहिए। इसका मतलब हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कोस 2 थीटा की कोस की टर्म्स में, और वो किसके इक्वल होता है, 2 कोस के थीटा माइनस 1। चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा की जगह हमारे को क्या पुट करना है, 3x। तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा है, तो थीटा को पुट कर दिया मैंने 3x माइनस का 1। लेकिन आप देखिए सभी एंगल हम यहाँ एक्स 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 है, कहीं भी 3x नहीं है, मतलब 3x को x में चेंज करना है। तो इसको सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हो, 2 कोस 3x कंप्लीट का स्क्वायर लिखा जा सकता है ऐसे। अब यहाँ देखिए कोस 3x है, जबकि आपको यहाँ पे कहीं पे भी एंगल 3x नहीं है, x में एंगल चाहिए। तो यहाँ आइडेंटिटी देखो, कोस 3 थीटा जो भी मैंने लिखवाई, साइन 3 थीटा की और कोस 3 थीटा की और टेंजेंट 3 थीटा की। तो कोस 3 थीटा की आइडेंटिटी क्या थी, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। अब ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करते हैं, 2 इंटू कोस 3 थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 कोस, यहाँ थीटा था यहाँ x है, तो 4 कोस क्यूब x हो जाएगा माइनस में 3 कोस ऑफ x का स्क्वायर माइनस में 1। अब देखो पहले स्क्वायर है, स्क्वायर सोल्व कर लो इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो a इंटू बी, और ये माइनस का 1 एज इट इज, तो इट बिकम्स 2। 4 का स्क्वायर हो गया 16, और कोस क्यूब का स्क्वायर हो गया कोस 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये बन गया आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 4 8 इंटू 3 24 कोस क्यूब और कोस, तो ये बन गया आपका कोस की पावर 4x माइनस की 1। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 32 कोस 6x प्लस 9 टू ज़ा 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 48 कोस 4x माइनस 1। अब इसको अरेंज करना है, अरेंज कर दो, 32 कोस 6x फिर माइनस के 48 है कोस 4x प्लस के 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। दिस वन इज योर राइट हैंड साइड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ आइडेंटिटीज़ है आपको, थोड़ी सी आइडेंटिटीज़ याद कर लेना, और थोड़ी सी आइडेंटिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने टाइम आपको खुद ही याद हो जाएगी। तो हमने अपने ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ऑफ एक्सरसाइज 3.3 के। वेरी शॉर्टली वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.4, सो प्लीज़ डू कम्प्लीट योर फेयर नोटबुक।